आपने कलाकार बनने का निश्चय कब और कैसे किया? मैंने करीब 12-13 साल नौकरी करी। 2016 में मैंने देखा नौकरी करके मिल रहा है, खुशी मिल रही है, लेकिन वो अंदरूनी खुशी नहीं मिल रही। और जब मैं रंग देखता था तो अंदर से कुछ और ही विचार आते थे, और मैं चाहता था कि मैं प्रैक्टिस करूं और मैं थोड़ा सा कला अपना निखारूं और दिखा पाऊँ लोगों को कि लोग कलाकार कैसे होते हैं, कला को और कैसे निखारा जाता है, और रंगों से कैसे आप इमोशन अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, और इससे खुद को भी शांति मिलती है और जो देख रहा है आपका जो दर्शक है उसको भी बड़ी शांति मिलती है और बड़ा अच्छा एक माहौल बनता है। सो तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी कला को खुद को भी सुधारूंगा, अपनी कला को भी सुधारूंगा और लोगों को भी दिखाऊंगा और लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा कि वो भी कला की तरफ आगे। तब से मैं 4-5 साल से। आप अपनी चित्रकला के बारे में कुछ बताएं। जैसे आप देख रहे हैं मैं थोड़ा रियलिस्टिक काम करता हूँ, जैसे पोर्ट्रेट या फिर थोड़ा फाइन वर्क करता हूँ, क्योंकि जो देखता हूँ उसी को मैं संग्रह करके उसको प्रदर्शित करके करने की कोशिश करता हूँ विभिन्न रंगों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में, वही मैं कोशिश करता हूँ। और जैसे मैंने कलाकार बनाया, वो कलाकार खुद भी क्या प्रदर्शित कर रहा है या खुद क्या सोच रहा है वो भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मेरे विचार है। भविष्य में आपकी अपनी कला के बारे में क्या योजना? मैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कलाकार हैं, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं, ये देख के लगता है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी और कुछ करना है। सारी जगह हमें मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देख के बहुत प्रोत्साहित कर सकती है और हम अपनी कला में वो उसको ढाल सकते हैं, उसको और नया रूप दे सकते हैं और बढ़िया तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये एक मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है, ये चलता रहेगा जिंदगी में। इधर कथकली डांसर के इमोशंस को कैप्चर किया है। कथकली डांसर जैसे आप जानते हैं कि अपने फेस से सारे इमोशंस बयां करता है, पूरी कहानी बोलता है, पूरी महाभारत रामायण अपने फेस से ही बोलता है, अपने डांस से बोलता है, लेकिन बैक स्टेज कथकली डांसर कितना काम रहता है, अपने आपको प्रिपेयर करता है, वो जो इमोशन है वो कैप्चर किया है। इसका नाम भी मैंने दिया है टेलिंग मेनी स्टोरीज बट थिंकिंग वन ऑफ वन, थिंकिंग ऑफ वन स्टोरी। सो वॉट ही इज गोइंग थ्रू, शी इज गोइंग थ्रू एज एन आर्टिस्ट डिसाइड। सो एज एन आर्टिस्ट आई ट्राई टू कैप्चर दैट इमोशन। दिस इज शिवा द वॉरियर एंड प्रोटेक्टर, सो ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द यूनिवर्स एट द सेम टाइम प्रिपेयर एंड ब्लेस हिज वेपन to be prepared for a possible war which is for the humanity. And then Ganesha, how we see, feel and touch, basically a murti of Ganesha is what we see as an idol, and we can feel it, we can touch and we can pray, what we see, what we pray, that's how. The shadow, the entire painting, this is still life, but the shadow that it casts shows that if there is light, there is energy, there is life. Without life, without light, you can't see anything, and shadow is the proof of light. This is full moon beta, which is an aquarium fish, which is very aggressive in nature, at the same time very beautiful. Full moon beta. The size of this fish is very small, probably a finger size fish. Very colorful, very bright.